चलो जी चलो, अपनी गड्डी जो है वो रेडी है यूरोप में एंटर करने के लिए। शाम के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई बॉर्डर के लिए, यानी कि टर्की को भाई बोलने के लिए। ओ भाई साहब, गर्मी बढ़ गई है आज। वैसे धूप नहीं है इतनी, बट ह्यूमिडिटी टाइप की बहुत है। पहले तो ये इस्तांबुल की गलियों से निकला जाए, बहुत कंफ्यूजिंग गली है भाई। मेन हाईवे पे पहुंचते हैं। चलो भाई, फाइनली जो है मेन हाईवे पे चढ़ चुके हैं। एज ए सिटी में चला के ना बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी पतली पतली गलियां, लोग निकल रहे हैं इधर उधर से। हाईवे सही रहते हैं भाई, मस्त अपनी लेन में कंटिन्यू रखो, 100-110 की स्पीड, मजे से चलाओ। आज का हमारा ये सफर होने वाला है इस्तांबुल से इप्साला तक, जो कि क्या अराउंड 270 किलोमीटर है। गूगल मैप पे भाई 3 घंटे दिखा रहा है और इतने ही लगेंगे, क्योंकि रोड मैंने बताया ना मस्त कंडीशन है यहाँ की एकदम। और इप्साला जो सिटी है ना भाई, यही मेन बॉर्डर है ग्रीस के साथ जो लगता है। जो टर्की साइड की सिटी है उसका नाम इप्साला है, और जो ग्रीस साइड की सिटी है ना उसका नाम किपोई है। एक्चुअल में आज रात को हम बॉर्डर पे ही रुकने वाले हैं टर्की साइड में, और कल सुबह उठ के 5:30 बजे जल्दी निकलेंगे और क्रॉस करेंगे भाई ग्रीस का बॉर्डर, एंड सेम डे ही क्रॉस करेंगे बल्गेरिया का बॉर्डर भी। जी हाँ, उसके पीछे रीजन क्या अभी मैं शांति से बैठ के समझाऊंगा कि क्यों हम ऐसे हबड़ा दबड़ी में भाई टर्की से भागे हैं। अच्छा, इस्तांबुल जो है ना भाई वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा एशिया में पड़ता है एंड एक हिस्सा यूरोप में पड़ता है। हम जहाँ पे रुके हुए थे ना तकसीम स्क्वायर में, वो पूरा का पूरा एरिया भाई यूरोप साइड का है। अब ऐसा नहीं है कि एशिया साइड में रोड के रूल्स अलग है या फिर यूरोप में अलग है, रूल्स पूरी जगह वही है भाई। राइट साइड में ही गाड़ी चलती है और हर गाड़ियों का लेफ्ट साइड में ही स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पे। बाकी वही ओवरटेक भाई लेफ्ट से लेना होता है, क्योंकि फास्ट लेन लेफ्ट वाली है और सबसे स्लो लेन राइट वाली है। तो इसलिए एशिया और यूरोप की वजह से कोई भी रूल्स का फर्क नहीं है, रूल्स हर जगह पे सेम टू सेम है बिल्कुल। रोड की कंडीशन भी वैसी है, बस जो घर के स्ट्रक्चर्स वगैरह ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यूरोप में अलग है और एशिया साइड में ऐसे बिच्चम सो रखा है सब कुछ। कल का दिन तो बहुत एक्टिव होने वाला है, सुबह जल्दी उठ के रात को लेट होटल पहुंचेंगे। एक ही दिन में 2 कंट्रीज क्रॉस होगी, क्योंकि पहले ग्रीस और फिर उसके बाद बल्गेरिया। बल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया, सोफिया जाके हमें रुकना है। बाकी देखते हैं कितनी टाइम लगेगा बॉर्डर पे, क्योंकि जो ग्रीस है वो शेनेगन कंट्री है एंड जो बल्गेरिया है वो नॉन शेनेगन कंट्री है। तो जब भी आप किसी शेनेगन टू शेनेगन कंट्री में जाते हो ना, तब तो आपका कोई भी भाई चेकिंग नहीं होती, ना कोई स्टैंप लगता है, ऐसी चलते रहो जैसे इंडिया में आप हरियाणा से पंजाब जा रहे हो ना, वैसी सीन होता है। जब भी आप शेनेगन टू नॉन शेनेगन किसी में एंट्री करते हो ना, तो वो एक तरह से भाई अलग कंट्री है, तो वहां पे भाई सब कुछ चेकिंग भी होगी, जैसे हम ग्रीस से जब बल्गेरिया जाएंगे ना, एंड साथ ही साथ में बल्गेरिया का स्टैंप भी लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हेक्टिक होगा कल का दिन, एक ही दिन में 2-2 बॉर्डर क्रॉस करने में। हमने टर्की में ना ईरान बॉर्डर से एंट्री किया था, वहां पे एक सिटी थी डोजू बिजैट करके, और अब एग्जिट ले रहे हैं भाई बिल्कुल ऊपर इस्तांबुल से ग्रीस की तरफ। टोटल टर्की में कुछ हम 2300-2400 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले थे, एंड ओवरऑल रोड्स की कंडीशन बताऊं तो भाई 80-20 थी, यानी कि 80% बिल्कुल चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें बिना किसी गड्ढे के, और जो 20% रोड थी ना उनमें गड्ढे नहीं थे, एक्चुअल में रोड ही नहीं थी पूरी की पूरी। तो वो पूरी मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी या फिर डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर रखा था, बस उतना ही 20% मतलब ऐसे 15-20-30 किलोमीटर के पैचेस आते थे खराब रोड के। बाकी भाई 8-lane highway, 6-lane highway ऐसे मजेदार चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। एंड हम पूरी टर्की में ना अराउंड 6-7 सिटीज में गए हैं, और भाई एक भी जगह पे जाके ना ऐसा नहीं फील हुआ कि अभी कुछ महीने पहले इतना तगड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। मतलब कोई भाई है ही नहीं नामो निशान अर्थक्वेक का, ना कोई बिल्डिंग टूटी हुई, ना कोई सड़कें ऐसी हो रखी, बिल्कुल सब कुछ सही हो रखा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। टर्की का भाई हमारा टोटल अभी 4th टोल टैक्स आ रहा है जो हमें पे करना है। अभी तक 3 बार ही हमने टोल टैक्स भरा है यहाँ पे 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। लेट्स सी यहाँ पे कितना बनता है। यहाँ की जो लोकल गाड़ी है इनका तो 36 लीरा का कटा है, लेट्स सी हमारा कितना काटेंगे ये। हमें तो कैश ही देना पड़ेगा भाई यहाँ पे, इनके लिए तो फास्टैग चलता है। फास्टैग मतलब यहाँ का जो भी स्कैनर होगा, 36 ही है। चलो हमारे लिए भी सेम ही है भाई, अच्छा है, कोई भेदभाव नहीं है टोल टैक्स में, सेम ही है लोकल जितना। इस तरह की भाई पर्ची मिल जाती है कैश पे करने पर। ईरान में हमारा 2 ही बार टोल टैक्स कटा था, दोनों पर्चियां मैंने संभाल के रखी हुई है, ये भी सारी संभाल के रखी हुई है, मस्त ऐसे कलेक्शन बन जाएगा पूरा का पूरा। देख रहे हो भाई इन देशों में भी हाईवे पे ट्रैफिक लगता है सर, वो भी लंबा ट्रैफिक है, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तभी है। ग्रीस बॉर्डर तक का रास्ता देखो भाई, बिल्कुल सी के किनारे किनारे होते हुआ जा रहा है। अभी हम यहाँ पे है, ये पूरा लेफ्ट साइड में सी है, अभी तो दिख नहीं रहा घर है क्योंकि, बट अच्छी जगह है यार ये भी, जो भी सिटी है यहाँ पे। ये मरमरा करके सिटी आई थी, काफी अच्छी थी, बीचेस वगैरह थे और टूरिस्ट भी काफी दिख रहे थे, हालांकि वो सब यहाँ के लोकल टूरिस्ट थे, मतलब टर्की के ही लोग थे, फॉरेनर्स नहीं थे। अभी तक इस पूरी टर्की की ट्रिप में ना भाई मुझे सबसे बेस्ट सिटी कैपेडोकिया लगी है, मतलब वहाँ का माहौल ही अलग सा था, नजारे भी अलग से थे, और सबसे मेन भाई करने के लिए एक्टिविटीज थी, घूमने के लिए जगह थी बहुत सारी। इस्तांबुल वैसे मॉडर्न सिटी है पूरी, प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा, बट घूमने की जगह ही नहीं है कितना। वो हाया सूफिया, ब्लू मोस्क, गलाटा टावर और ये तकसीम स्क्वायर, ये 4-5 चीजें हैं। लेकिन कैपेडोकिया में भाई सब हॉट एयर बलून ले लो, एटीवी राइड कर लो, कैमल राइड कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, फिर वो जेल्व ओपन एयर म्यूजियम में मैं वहां गया,
रहा था, इतने मस्त मस्त ऐसे चट्टानों के बीच में गुफा और घर बने हुए थे वो देख लो। तो ओवरऑल कैपडोकिया सबसे बेस्ट था भाई, 4-5 दिन मतलब बंदा वहाँ पे ना सुकून की जिंदगी रह सकता है ट्रिप के दौरान। 140 किलोमीटर का रास्ता बचा है और भाई रेंज है गाड़ी की 103 किलोमीटर की, तो अभी नहीं 70-80 किलोमीटर के बाद रिफ्यूल करवाएंगे क्योंकि भाई ग्रीस में जाके महंगा हो जाएगा और ज्यादा डीजल। टर्की से ही फुल करवा लेंगे टैंक ताकि कल वैसे इतना हेक्टिक डे है तो रुकना ना पड़े फ्यूल के लिए, सीधा हम बल्गेरिया जाके भरवाए फिर परसों। शायद से वैसे महंगा है यूरोप में, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ग्रीस क्योंकि लग रहा है मुझे टर्की से तो महंगा ही होगा, इतना भी नहीं मतलब 5-6 रुपए महंगा हो सकता है, बट ईरान और टर्की में तो भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया था। ईरान में डीजल था 7 रुपए इंडिया के, जी हाँ 7 रुपए का 1 लीटर डीजल, और टर्की में आते ही हो गया था 92 रुपीज का, 15 गुना ज्यादा सीधा। वॉटर पार्क है भाई, सब लोग ऊपर देखो स्लाइड में जा रहे हैं, ओहो अरे रोड पे ही बना रखा जरा सही है क्या, वो है सामने तक फोर्ड का लोगो दिखते है ना भाई, ऐसी खुशी सी होती है, इतनी तगड़ी है इनकी एवरेज नई वाली जो एंडेवर कहलाई जाती थी इंडिया में, पता नहीं कब वापिस आएगी यार। फॉर्चुनर से तो हम परेशान हुए पड़े भाई, एंडेवर अगर नई वाली आई ना इंडिया में भाई पक्का लूंगा, गारंटी की बात है, उसमें तो ऐसे तगड़े तगड़े फीचर है, ऊपर से लुक भी पूरी ऐसे लैंड क्रूजर वाली लगती है, और थाईलैंड में है सिर्फ 30 लाख रुपए की इंडियन करेंसी में, इंडिया में आते आते चलो 45 की 50 की भी हो जाए भाई 60 लाख की भी हो जाए फॉर्चुनर से तो फिर भी बेटर है। मेरे सामने हमारे बाइकर है, कहां के टर्की की है नंबर प्लेट, तो शायद ये भी ग्रीस ही जा रहे होंगे। तो भाई लो फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है, इसमें भी लो फ्यूल की पीपनी बच गई थी तो इसलिए भाई भरवाई लेते हैं। जनरली पेट्रोल पंप पे डीजल लिखा होता था, यहाँ पे मोटोरिन लिखा हुआ, तो शायद ये डीजल ही है, इनसे पूछ तो लिया है। और रेट है इसका पता नहीं भाई, लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एलपेट नाम है इसका स्टेशन का, और मोटोरिन है 23.39। बाकी पेट्रोल को तो बेंजीन बोलते हैं तो मैंने बताया था, और 95 ऑक्टेन पेट्रोल महंगा है काफी। सामने देखो एक और फ्यूल स्टेशन है, उसमें भी लिखा हुआ है पर वहाँ सस्ता है भाई मोटोरिन, यहाँ 23.40 का है, वहाँ पे 22.20 का है, बट वो दूसरी रोड है। कोई नहीं भाई, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कितने 3-3.5 रुपए पर लीटर, अरे यार 3-3.5 रुपए तो ज्यादा हो गया, 50 लीटर भी आया तो 150 रुपए का फर्क हो गया। कोई नहीं चलो, अब स्टार्ट हो गई है भरना तो फिर भरवाई ले है, पूरा ही खाली है ऑलमोस्ट, तो वही 50 लीटर के आसपास आ जाएगा। इस तरह की ये मशीन होती है, इसमें ये सेट कर देते हैं, और अपनी गाड़ी का भाई नंबर भी आ रहा है 426EZ4107, क्या बात है। टोटल भाई 50 लीटर आया है, और यहाँ से अब उसकी पर्ची निकल जाएगी, फिर अगर हमें कार्ड से पेमेंट करनी है तो अंदर मार्केट में जाके करनी पड़ेगी, वो है ना मार्केट। ऑलमोस्ट 1200 लीरा का डीजल आया है, यानी कि इंडिया के 4500 रुपए के आसपास। रेट ना लीरा का घटता बढ़ता रहता है, कभी 3.5 रुपए हो जाता है, कभी 4 रुपए हो जाता है, तो इसलिए मैं अलग अलग आपको बताता रहता हूँ, तो लीरा समझ लिया करो उसको, जो भी रेट गूगल पे चल रहा है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। बाकी वो सामने सीएनजी का लगा हुआ है, ये पर्ची निकल गई है, इसमें लिखा हुआ है 1187। ओके, और यहीं पे भाई एड ब्लू भी मिल जाता है, ये देखो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। कुछ खाने का लेता हूँ भाई, भूख सी लग गई। गाड़ी को पहले साइड में लगाते हैं कहीं पे, और 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं क्योंकि अब 40 मिनट का ही रास्ता रह गया, तो आराम से पहुंच जाएंगे 7:30 से पहले पहले। और वैसे भी यहाँ पे तो भाई जो सनसेट है वो 9 बजे होता है रात को, तो मतलब मस्त रोशनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद से ना गाड़ी धोने वाली मशीन लगी हुई है, 5 लीरा डालने हैं यानी कि इंडिया के 20 रुपए, और ये निकाल के हम गाड़ी धो सकते हैं। देखो पानी तो पड़ा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, चल रही होगी तो बढ़िया भाई, वॉशिंग हो जाएगी।